सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाजी वाले कबूतर की खुराक। जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल पर सामान रखा हुआ है, क्या सामान है ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, और कैसे तैयार करना है ये बताएंगे, किस तरीके से देना है ये बताएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दें, जो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। सबसे पहले ये देखो भाई, आप 12 बादाम है हमारे पास में, और ये है मलाई, एक चम्मच मलाई है, आप देख लें सही से, 12 बादाम और एक चम्मच मलाई। इसका क्या प्रोसेस है ये टोटल मैं आपको बताऊंगा। तो भाइयों जो सामान था वो मैंने आपको दिखा दिया है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, 10-12 बादाम लेने हैं और रात को भिगो देने हैं। जब 10 से 12 घंटे भीगे हुए बादाम होंगे, उसके बाद में आपको ये जो बादाम है इन बादामों को छिलका उतार लेना है, और थोड़ी देर इन्हें जो है रख देना है। रख देने का मतलब यह है ये जो बादाम है, जो इसके अंदर पानी है वो थोड़ा खुशक हो जाएगा, ठीक है। और बादाम को जो खुशक करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि आप धूप में रख दें, एक घंटा लगभग छिलका उतारने के बाद ऐसी छाया में रख दो तो ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है हल्का सा। उसके बाद जो है आपको एक चम्मच मलाई लेनी है, ठीक है भाई। और जो ये बादाम है, ये इमाम जिस्ता हमारे पास में, ये बादाम जो है इस इमाम जिस्ते में बिल्कुल बारीक करके कूट लेने हैं। तो पहले हम बादाम कूट लेते हैं और आगे फिर बताएंगे वीडियो में आपको। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, बादाम कभी भी ग्राइंडर मत करना जल्दबाजी के चक्कर में। अगर आपको इतनी जल्दबाजी है तो फिर ये सब सोख करने बेकार है, जो इसका रिजल्ट है वो ग्राइंडर में सही आने वाला नहीं है, ठीक है। तासीर बदल जाती है और जो बादाम है वो इतना बारीक हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इस तरीके से देंगे कूट के तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। और इस बादाम को, इस खुराक को देने के जो फायदे हैं वो भी मैं आपको तसल्ली से वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है भाई। वो देखो अभी जो बादाम है वो जो कुटे हुए हैं वो हमने बाहर निकाले हैं, और इस बादाम को कूटने का ये फायदा भी है, इसकी जो गोली है वो बहुत आसानी से बनेगी। ये देखें, ये हमारे 12 बादाम हैं कूट के तैयार हो गए हैं, और ये अब हमें मलाई में मिक्स करने हैं, ठीक है भाई। करो जी सोहेब भाई, बिल्कुल मलाई को और बादाम को जो है इस तरीके से मिक्स कर लेना है, जो बिल्कुल एक दूसरे में समा जाए, ठीक है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मलाई कहीं है और बादाम कहीं है। ये देखो भाइयों, जो हमारी खुराक है वो बनके तैयार हो चुकी है, और इसका नेचर ऐसा होता है भाई इस खुराक का, ये स्टार्टिंग में पतली होती है, तो आप इसकी गोलियां बना के रख दो, और कम से कम 1-2 घंटे बाद जो है ये गोलियां थोड़ी सूखी खुशक हो जाती हैं, उसके बाद कबूतर को देनी चाहिए। कभी आप ये सोचें कि इसकी गोलियां नहीं बन रही हैं, ठीक है। गोलियां आप इतनी बड़ी गोली बनाएं लंबी जो कबूतर को आसानी से दे सकें, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई जो देखो अभी तक का प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ही समझता हूँ। और जो बादाम है वो भी आपको दिखाई, जो मलाई है वो भी आपको दिखाई, और ये गोलियाँ देखो जो भी सोहेब भाई ने बनाई हैं। अब देखो ये खुराक हमने तैयार तो कर ली, अब आती है इसको देने का तरीका क्या है और इसे देने का क्या फ़ायदा है। इसे देने का तरीका ये है, जब भी आपका कबूतर अंदर है लॉफ्ट में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कल को कबूतर उड़ाना है तो आज ये जो खुराक है ये खुराक आज नहीं देंगे आप, है ना। अगर मान लीजिए कबूतर की कल को फड़क है तो आज आप इस खुराक कबूतर को नहीं देंगे, ये खुराक दी जाती है कबूतर को बंदी में। बंदी का मतलब ये, मान लो भी 2-3 दिन हमें कबूतर नहीं उड़ाना है, फड़कों पे है, स्टार्टिंग पे कबूतर है, तो ये 8 से 10 गोली एक कबूतर का दो आप। इस गोली को देने का फायदा ये है, जो आपके कबूतर के अंदर जो खुश्की है वो खुश्की खत्म हो जाएगी एक तो, दूसरी चीज ये कबूतर के अंदर इतनी जान आ जाएगी कि कबूतर आपको जब भी उतरेगा इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बाजू मारेगा, इतनी जान बन जाएगी उसके शरीर में, ठीक है। और कबूतर की जो फड़कों के दौरान जो कबूतर की हड्डी निकल जाती है ना, आपने देखा होगा ये जो सीने की हड्डी होती है, कबूतर उड़ रहे हैं 5 घंटे 7 घंटे फड़कों पर, लेकिन उनका जो वजन है वो कम हो जाता। सबसे खास बात इस खुराक के अंदर यही है, ये कबूतर के वजन को रिकवर करती है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको बंदी में देनी है ना कि फड़कों पर। मान लीजिए आज आपने अपना कबूतर उड़ाया तो आप इसे कल दो, परसों दो, 2 दिन रोक रहे हो, और फिर जब उड़ाना है उस दिन, उससे 1 दिन पहले इसे मत दो। और इसके ऊपर कभी भी कबूतर को जल्दी से पानी मत देना,
नेचर मैंने इस खुराक का आपको बताया है, जब बना के तैयार करते हैं तो कुछ पतली होती है गिलगिली, लेकिन ये एक दो घंटे बाद ये खुशक हो जाती है और उसकी गोलियां आसानी से बन जाती हैं। गोल गोली मत बनाना इतनी बारीकी से, इसलिए समझा रहा हूँ आपको, बाद में फिर कमेंट आते हैं। लंबी गोली बनाएंगे कैप्सूल जितनी, जो आसानी से कबूतर खा सकता है। लंबी गोली बना के कबूतर को दे, जिन कबूतरों की हड्डी निकली हुई है बाजी के दौरान फड़कों में, भाई परेशान है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। और अपना मानना यह है, एक महीने तक आप इसे चला दो कबूतरों में, हफ्ते में एक दो बार आप इसे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज भी दे दो कल भी दे दो, रेगुलर दे रहे हो पूरे हफ्ते में, नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक दो बार दो। कबूतर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है इससे, और अच्छा प्रोटीन होता है इसके अंदर, फैट भी होता है, मलाई हमने लगाई है इसमें, और जो मलाई है वो कबूतर की खुश्की को भी ख़त्म करती है। हो सकता है, देखो बहुत चैनल ऐसे हैं जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, आप उठा के देख लेना, इतनी बारीकी से आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई बना के दिखाएगा नहीं। सभी चक्कर में रहते हैं कि मैं इस हुनर को जानता हूँ तो ये भाई ना सीख ले, ये ना सीख ले, और इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप दूसरे को बताने की कोशिश करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, कोई दूसरा जो शौक कर रहा है उसका शौक अच्छा होता है, वो सीखता है, और वो जुबान से बेशक ही ना गए, अगर उसने किसी से कुछ सीखा है तो उसके दिल को और उसके रब को पता होता है कि हाँ, मैंने इस इंसान से या इसकी वीडियो से या इस उस्ताद के कुछ बताने से मैंने सीखा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ सीखा है, वो बात में रिप्लाई नहीं करते, कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं वो लोग। समझने की बात ये है, जो बातें आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर जिस भाई के कबूतर का दम नहीं बन रहा है, उस कबूतर के अंदर कमजोरी है, आप उस कबूतर को ये खुराक दो जो हमने बनाई है। और कबूतर के अंदर अगर ज़्यादा कमजोरी है ना, तो आप इसे कबूतर को जो है 4-5 दिन मत उड़ाओ, और 4-5 दिन ये चला दो कबूतर में। गारंटी है हमारी, कबूतर का जो शरीर है बहुत अच्छा रिकवर होगा, कबूतर में कमजोरी नहीं देगी किसी भी तरीके। ये जो तरीका है ये हमारा अपना खुद का निजी तरीका है, अपना शौक और अपनी सोच। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, हो सकता है बहुत से भाइयों को अच्छा लगे, तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं आपको सिखाना और आपको बताना, आपका शौक अच्छा करना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। आप जो है इसे अमल में लाएंगे और जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा, आप उस रिजल्ट को बताएंगे। बहुत अच्छा तरीका है, ज़रूर कबूतरों में अपनाएं। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।